हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हम में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एएनएम और स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी एनएचएम के अंतर्गत। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने आपको बताया था कि रेंज क्या हो सकती है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की। ये हमने एक्सपेक्टेड रेंज बताई थी, एक महीने का एनालिसिस जो भी मैंने देखा हुआ था कैंडिडेट्स ने हमें हमारी मेल आईडी पर जो भी अपना रिजल्ट मेल किया था उस बेसिस पे हमने एक रेंज बनाई थी। तो उसमें हमने पूरा पूरा आपको बताया हुआ था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे बाकी की बची हुई जो भी कैटेगरीज थी, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो कैटेगरी थी यहाँ पे SNCHNBSU मींस चाइल्ड हेल्थ वाली कैटेगरी थी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी हमारी स्टाफ नर्स NPHC, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत ये कैटेगरी आती है। और यहाँ पे तीसरी जो कैटेगरी है SNDHSHDUA, ठीक है। तो ये थी हमारी आखिरी कैटेगरी और इसमें ये जो आती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंतर्गत ये कैटेगरी आती है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम आपको पूरा पूरा इसमें एनालिसिस देंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं, कितनी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक है, पहले आपको बताते हैं वैकेंसीज कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 177 वैकेंसीज यहाँ पे पूरी रखी गई थी, ठीक है। उसी हिसाब से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये सेक्शन जो होगा हमारा जनरल कैटेगरी के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम नोट करेंगे और यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम नोट करेंगे। उसी हिसाब से हम यहाँ पे एसटी कैटेगरी के बारे में बताएंगे। तो टोटल 177 वैकेंसीज थी यहाँ पे और यहाँ पे जनरल कैटेगरीज की जो सीट थी, ठीक है, जनरल की यहाँ पे जो सीट थी ये थी टोटल 86, ठीक है, 86 सीट थी यहाँ पे। और यहाँ पे ओबीसी की जो सीट थी और ओबीसी की यहाँ पे सीट थी 50। और उसी हिसाब से यहाँ पे जो एससी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज रखी गई थी ये 41 थी, ठीक है। तो 41 मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं थी, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे निल मैं रख देता हूँ, ठीक है। 5 गुना वैकेंसीज बुलाई गई थी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट के तौर पे यहाँ पे 5 गुना वैकेंसीज पे यहाँ पे पूरा वेटिंग लिस्ट पे आपको सभी लोग को पता है आपकी वेटिंग लिस्ट वहाँ पे आई होगी, तो 5 गुना के अंतर्गत ही आप सभी लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी मेरा एनालिसिस रहा 1 मंथ के एनालिसिस, ठीक है, जो मैंने निकाला है, काफ़ी दिनों से मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मैंने इसमें रिस्पॉन्स मिला है कैंडिडेट्स का, तो मैंने उसी हिसाब से एनालिसिस बनाया हुआ है। और ये एनालिसिस मैंने जितना भी मेल आईडी पे मुझे मिला हुआ है तो ये उस पे बेसिस मैंने बनाया हुआ है। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, अगर आपको पसंद आता जा रहा है एक लाइक का बटन जरूर दबाता जाइए। कमेंट जो कुछ भी कमेंट्स आपकी क्वारीज वगैरह आपके अंदर आ रही हैं आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी समय, ठीक है। तो जनरल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 86 यहाँ पे पोस्ट थी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो निर्धारित मैंने मेरे हिसाब से जो है 50 वेटिंग क्लियर होने के यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, ठीक है भाई। उसी हिसाब से बात करते हैं हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे हम 35 से यहाँ पे 40 की रेंज मानेंगे और यहाँ पे 35 से 40 बिल्कुल सेफ जोन माना जाएगा, ठीक है। उसी बात करते हैं हम यहाँ पे एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पे 25 से करीब करीब मान के चलिए 30 पोस्ट यहाँ पे 30 वैकेंसीज यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं, ठीक है, 30 वेटिंग लिस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे जो बात करेंगे एसटी कैटेगरी, यहाँ तो पोस्ट थी नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे जो कैटेगरी है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो यहाँ पे हम टोटल आपको बता देते हैं वैकेंसीज कितनी थी, तो हम उसी हिसाब से आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 240 वैकेंसीज पे ये पूरा एग्जाम हुआ था और 240 वैकेंसीज में सभी निर्धारित रखी गई थी। जनरल के लिए जो पोस्ट रखी गई थी 120 थी और उसी हिसाब से यहाँ पे ओबीसी के लिए मैं बात करूँ यहाँ पे 40 वैकेंसीज थी। और 40 वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे एसटी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एससी कैटेगरी सॉरी तो यहाँ पे 80 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम हुआ था। और एसटी कैटेगरी की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी सीट नहीं थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे निल कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 5 गुना कैंडिडेट्स यहाँ भी बुलाए गए थे वैकेंसीज से वेटिंग लिस्ट के तौर पर। और यहाँ पे जनरल की जो मेरे हिसाब से जो एनालिसिस है, ठीक है, जो भी मैंने इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि कम से कम ही लोग मेरे को इस कैटेगरी में मिले हैं, उन्होंने अपना एनालिसिस दिया है, तो मैं मान के चलता हूँ 60-70 से 80 यहाँ पे वेटिंग लिस्ट खिसक सकती है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में हैं अगर आपके 25 से 35 के समथिंग अगर आपकी वेटिंग लिस्ट है तो बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं। और यहाँ पे काफ़ी कम ही लोग मुझे मिले हुए हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत, यहाँ पे ये कैटेगरी जो थी NPSCE की, तो बहुत ही कम ही लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उसी हिसाब से बात करते हैं हम यहाँ पे एससी कैटेगरी की, ठीक है। तो यहाँ पे 45 से
55, ठीक है। एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में तो बहुत ही कम लोग मिले हैं, तो इसके वेटिंग लिस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं, और यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी है तो यहाँ पे निल ही रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारी दो कैटेगरीज, हमने यहाँ पे आपको बताया और यहाँ पे आपको समझ ही गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी आखिरी जो कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है, इसमें जो वैकेंसीज यहाँ पे निर्धारित थी जो नोटिफिकेशन में आया था, तो 153 वैकेंसीज पे ये हुआ था, और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स थे तो वहाँ पे 67 वैकेंसीज थी जनरल कैटेगरी के लिए, और 44 थी यहाँ पे ओबीसी के लिए, ठीक है, 44 थी यहाँ ओबीसी के लिए, और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो थी 33, ठीक है, 33 पोस्ट थी, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी थी तो उसी हिसाब से यहाँ भी कोई वैकेंसीज यहाँ पे रखी नहीं गई थी, ठीक है। तो अब जो मेरा एनालिसिस है कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस है, बहुत ही कम लोगों ने मेरे को अपना एनालिसिस भेजा, तो उसी हिसाब से मान के चलिए 40 से 50 वेटिंग लिस्ट अगर आपकी है इस कैटेगरी में तो बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं, और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके यहाँ पे 25 से 35, ठीक है, 25 से 35 अगर आपकी वेटिंग लिस्ट है तो बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं, और अगर एससी कैटेगरी में है तो यहाँ पे 20 से 25 वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। उसी हिसाब से आप सब लोगों को पता हुआ है कि यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। उसी हिसाब से आप सभी लोगों को पता है कि पाँच गुना यहाँ भी बुलाए गए थे, ठीक है, 5 गुना यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के तौर पर यहाँ भी बुलाए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनालिसिस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पूरा एनालिसिस मैंने बनाया गया है कि पूरा 1 महीने में जितने भी लोगों ने मुझे मेल किया है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में बताया गया है मैंने यहाँ पे, और ये एक्सपेक्टेड है जो आंकड़े आएंगे वो कुछ अलग भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं, ठीक है, ये मैंने वैसे बताया ये 50 के 60 भी हो सकता है, ये 80 का 90 भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जितनी भी हैं तो यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी धैर्य ना हारें और उम्मीद बनाए रखें, ये सब वैकेंसीज जितनी भी हैं बिल्कुल भरी जाएंगी इस बार, और वेटिंग लिस्ट क्लियर आपकी ज़रूर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एनालिसिस भी मैं इसी तरीके से करूँ, और आपको क्या करना है, आपको हमारी इस मेल आईडी पे आपको 2 चीज़ें हमें भेजनी है, ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और रजिस्ट्रेशन नंबर है मीन्स आईडी है जिससे आपने अपना रिजल्ट खोला था, और आपका डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज़ें आपको भेजनी है, ठीक है, जैसा कि यही पेज था जैसे कि, ठीक है। तो ये एप्लीकेंट आईडी आपको भेजनी है और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें आप हमारी मेल आईडी पे भेज दीजिए, या फिर आप हमें 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 कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। सीधे सीधे अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जो है तुरंत मैं उसी जगह पर आपको रिप्लाई कर दूँ, तो आप हमें स्क्रीन शॉट भेज दीजिए आपके रिजल्ट का, तो हमारा स्क्रीनशॉट जैसे ही आपको मिलेगा इस तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको ज़रूर बताइए, ज़रूर जैसा भी आपको लगा एक थैंक यू का मैसेज ज़रूर लिखें, ठीक है, थैंक यू का मैसेज बहुत ही कम लोग लिखते हैं, लेकिन जो भी लिखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन भी हमको मिलता है, और हमारे द्वारा उनको जानकारी मिल रही है ये भी हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है, कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आपके क्वारीज वगैरह बन रही हैं आपके दिमाग में, तो आप बिल्कुल भी हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी समय किसी भी वक्त आप हमसे यहाँ पे क्वारीज वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दिल से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है उन सभी लोगों के लिए जो ये एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स और एएनएम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत होते ही यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको इस जगह पे, तो यहाँ पे आप उसको क्लिक करके देख लीजिए। तो एनालिसिस जैसा भी लगा आप ज़रूर बताइए, एक थैंक यू का मैसेज लिख दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, कोई भी आपका कमेंट वगैरह है, और अपना जो भी आपका रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट हमारी मेल आईडी पे भेज दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे आने वाला वीडियो जो है एनालिसिस को लेकर रहेगा वो भी, तो सब्सक्राइब करके रखिए हमारे इस चैनल को। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।